I'm going to start. Today I'm going to revise chapter Russian Revolution. So in this chapter, first of all, so you will read about three revolts. You have done this chapter. So in this chapter, you have read about three revolts: revolt of 1905, revolt of 1917 February, then revolt of 1917 October. इसमें से फर्स्ट टू रिवोल्ट्स जो है ना दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ज़ार निकोलस टू, और जो लास्ट वाला रिवोल्ट है तब ज़ार नहीं था वहां पे, हम खुद ही कहते हैं ऑटोक्रेटिक रूल वाज नॉट देयर इन रशिया। तो रशिया की स्टोरी अगर किसी बच्चे को आ गई ना तो ही और शी कैन राइट द आंसर्स, अपने आप लिख लेने हैं विदाउट लर्निंग और क्रैमिंग। आपको स्टोरी आनी चाहिए बस, है तो ये स्टोरी है। तो फर्स्ट हम बताएंगे कि यहाँ पे रशिया में ना 1905 में एक रिवोल्ट हुआ। उस रिवोल्ट के कॉजेज, अभी रिवोल्ट हुआ तो क्यों हुआ, ऑटोक्रेटिक रूल वाज देयर इन रशिया, ऑटोक्रेटिक रूल था जार के अंडर, रशिया वाज बैकवर्ड कंट्री। अब ऑटोक्रेटिक रूल लिख के, अब क्योंकि आप अभी मैंने आपको बताया कि 2 and 3 marks क्वेश्चन विल बी फ्रॉम हिस्ट्री, नॉट 5 mark आपका सोर्स बेस्ड है, तो दैट्स वाई यू नो नीड टू लर्न आपको के इलेबोरेटेड आंसर्स, बड़े बड़े आंसर्स आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स लर्न करने हैं, 2 marks के अकॉर्डिंग या फिर 3 marks के अकॉर्डिंग। 3 marks में ये पूछा जा सकता है राइट द एनी 3 causes ऑफ रशियन रिवोल्ट ऑफ 1905 या राइट द इम्पैक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1905। अगर 2 में इसे कन्वर्ट करना है तो दिया जा सकता है व्हाट डू नो अबाउट ब्लडी संडे इवेंट, या फिर व्हाट डू नो अबाउट रूसो जापानीज वार, what do you know about autocratic rule in Russia? तो इस वे के इसी में से क्वेश्चन बन जाने हैं 2 marks के। तो 5 marks का तो मैं खुद ही कह रही हूँ कि इस बार आपकी इस टर्म में है ही नहीं, सोर्स बेस्ड है, तो उसके लिए आपको क्रैम थोड़ा करना है कुछ। तो 1905 के जब रिवोल्ट पढ़ने हैं ना, रीड देम थोरोली ताकि इसी में से 2 का भी आना है। 5 में क्या होता था, आप छोड़ देते थे एक कोई भी कॉज, जैसे आपने रूसो जापानीज वार ही छोड़ दिया, आपने बाकी कॉजेस कर लिए तो पेपर में 2 marks में वही आ गया, फिर क्या करोगे। तो ड्यू टू दिस यू हैव टू रीड ऑल, क्योंकि आपको 2 or 3 के क्वेश्चंस आने हैं तो यू हैव टू रीड ऑल, देयर इज नो नीड ऑफ इलेबोरेट द आंसर्स बट यू हैव टू रीड ऑल। तो एक तो आपको ऑटोक्रेटिक रूल के बारे में बताना है कि ज़ार के अंडर रशिया बैकवर्ड कंट्री थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम लेट इन रशिया, तो रिच को कंसल्ट करते थे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जरीना अच्छी पार्टनर नहीं थी, ऑलवेज मिसगाइडेड ज़ार, एंड जरीना जो थी शी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन मॉन्क रास्पुतिन। तो ये सारा आपको ऑटोक्रेटिक रूल में लिखना है। देन यू विल राइट अबाउट पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स, तो इसमें आप बताओगे वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, वर्कर्स के वर्किंग आवर्स मोर थे, वेजेस लेस थे, तो वैसे भी इंडस्ट्रीज मोस्टली वर सेट अप बाय फॉरेनर्स एंड वर्कर्स वर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली बाय फॉरेनर्स, तो डॉर्मिटोरीज में रहना पड़ता था, दैट्स व्हाई वर्कर्स ने प्रोटेस्ट की। थर्ड आप बता सकते हो सोशलिज्म, सोशलिज्म यूरोपियन कंट्रीज में स्प्रेड हो रहा था, बट फर्स्ट कंट्री जो सोशलिस्ट बनी आपको भी पता दैट वॉज रशिया, तो सोशलिज्म वॉज स्प्रेडिंग इन यूरोप बट it also came to Russia, and in Russia people wanted people were in the favor of socialism, to is way se hum kahenge ki ye bhi ek reason bana revolt ka. Fir hum kahenge russo japanese war, Russia and Japan mein ek war hui, and in that war Russia got defeated from Japan, to agar hum dekhe to Russia ek big country thi whereas Japan was a small country। रशिया की डिफीट का मेन रीजन था नो वेपन्स, मॉडर्न वेपन्स, रशिया के पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, तो क्योंकि मैंने पहले ही बोला अंडर ज़ार इट वाज अ बैकवर्ड कंट्री, तो इसीलिए उसके पास मॉडर्न वेपन्स भी नहीं थे। तो लोगों ने, पीपल हेल्ड ज़ार रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट, तो एक तो ये कॉज भी बना रिवोल्ट ऑफ 1905 का। लास्ट आप बता सकती हो इमीडिएट कॉज, अब पेपर में हो सकता है पूछा जाए व्हाट डू नो अबाउट इवेंट ब्लडी संडे, तो आपको तब ब्लडी संडे के बारे में ही लिखना है, 3 marks का क्वेश्चन या 2 marks में आ सकता है। तो इधर आप बताओगे पीसफुल प्रोसेशन, संडे का दिन था, ऑन द डे ऑफ संडे पीसफुल प्रोसेशन वॉज गोइंग टूवर्ड्स विंटर पैलेस
अंडर फादर गेपन टू टेल देयर प्रॉब्लम्स टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद जार. तो ऑन द वे ये तो था पीसफुल प्रोसेशन, बट ऑन द वे जार फायर्ड ऑन जार सेंट आर्मी एंड आर्मी फायर्ड ऑन द पीपल. 100 वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइफ एंड 300 गॉट इंजर्ड. तो दिस इंसिडेंट इन रशियन हिस्ट्री केम टू बी नोन एज ब्लडी संडे. तो इसी को ब्लडी संडे कहा गया. दिस बिकेम द इमीजिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट. अब मुझे नहीं लगता कॉजेज में कोई भी कॉज आपको पेपर में आ जाए और आप लिख नहीं पाओ. अब आ गया इम्पैक्ट. अगर आपको रूसो जापनीज वार आएगी आप तब भी लिख लोगे, ऑटोक्रेटिक रूल आएगा आप तब भी लिख लोगे. अब आ गए इम्पैक्ट्स. इम्पैक्ट्स क्या हुए इस रिवोल्ट के? अब इतना बड़ा इवेंट हुआ था ब्लडी संडे, तो बैड इम्पैक्ट ही आएंगे ना. तो आप बताओगे पूरे रशिया में स्ट्राइक हुई, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज क्लोज थी, वहां पे इंडस्ट्रीज शट डाउन थी, जो भी थी वहां पे थोड़ी सी थी इंडस्ट्रीज वो भी बंद हो चुकी थी. तो इस वजह से आप बताओगे कि पूरे रशिया में स्ट्राइक थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड दे वॉन्टेड द क्रिएशन ऑफ धूमा. धूमा को क्रिएट करना चाहते थे. दे डिमांडेड फ्रॉम जार टू क्रिएट धूमा. जार हैड टू क्रिएट धूमा टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. बट विद द कमिंग ऑफ धूमा हम कहेंगे कि उसकी पावर्स जो थी ना कहीं कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो चुकी थी. इट डिडंट वॉन्ट द रिडक्शन ऑफ हिज पावर्स. So that's why after 75 days when peace was maintained in Russia, Tsar suspended Duma. तो उसने चलाकी की 75 days के बाद लोगों को बुद्धू बना दिया कि उसने Duma suspend कर दी. And this revolt came to be known as dress rehearsal for other two revolts. आपको ये भी आ सकता है कि which revolt came to be known as dress rehearsal for other two revolts. तो आपको बताना है revolt of 1905. ठीक है. तो नेक्स्ट आ गया आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार. हो फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. अब जैसे ये रिवोल्ट हुआ था ना 1905 का, जार ने रशिया में सारी पार्टीज बैन कर दी थी. कोई भी अपनी पार्टीज एसोसिएशंस नहीं बना सकता था. सारा कुछ इलीगल डिक्लेयर कर दिया था उसने ताकि लोग इकट्ठे ना आए रशिया में. बट उधर से आ गई फर्स्ट वर्ल्ड वार. फर्स्ट वर्ल्ड वार बिटवीन अलाइड एंड सेंट्रल पावर्स. अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में रशिया एक पार्टी थी. रशिया ने पार्टिसिपेट किया जबकि रशिया की कंडीशन नहीं थी. रशिया के पास ना तो वेपन्स ना आर्मी ऐसा कुछ भी नहीं था. फिर भी रशिया ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि कहीं ना कहीं रास्पुतिन ने जरीना को बोला ज़ार पार्टिसिपेटेड इन दिस वार. तो इंटरनेशनल लेवल तक उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी. तो जरीना वो ज़ार टू टेक पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार. उसने पार्ट ले लिया. अब क्या क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के पीरियड में, यू नो इट वेरी वेल. कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसने सबसे पहले तो पीजेंट्स एंड वर्कर्स को क्या बनाया, सोल्जर्स. फिर उसने उनको वार लड़ने भेज दिया विदाउट एनी ट्रेनिंग. फिर हम कहेंगे कि रशिया के पास तो वेपन्स ही नहीं थे. और फिर बहुत से लोग रशिया के उस वार में मर गए. मैनी बिकेम रिफ्यूजीज. रशिया क्योंकि मेन कंट्री थी इस वार में, तो रशिया की प्रॉपर्टी को भी बहुत नुकसान हुआ. ह्यूज प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड. इंडिया ने भी इस वार में ब्रिटिश के भी हाथ पे पार्ट लिया था. बट इंडिया कोई पार्टी थोड़ा थी इसमें. इंडिया कोई इंडिया की कंट्री में थोड़ा वार हुई है, क्योंकि इंडिया की तो कोई रोल ही नहीं था. इंडिया ने तो सिर्फ ब्रिटिश के भी हाथ पे पार्ट लिया था. इंडियंस को तो भेजा गया था लड़ने के लिए उन दफे हाफ ऑफ ब्रिटिश. तो इंडिया में भी तो यंगस्टर घरों में नहीं थे. इंडिया में भी जो डेथ्स हुई थी ना वो यंगस्टर्स की हुई थी. इंडिया में घरों में बच्चे बूढ़े एंड वुमेन बची थी. घरों में यंगस्टर्स ही नहीं थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार, क्योंकि मोस्टली यंगस्टर्स की डेथ हो गई थी इस वार में. और इंडिया में तभी हाउस होल्ड इनकम भी डाउन गई थी क्योंकि घरों में कमाने वाले नहीं थे. तो इंडिया जैसी कंट्री में इतना लॉस हुआ. तो रशिया तो एक मेन कंट्री थी इस वार में. तो रशिया में फूड ग्रेन्स की भी शॉर्टेज हुई बिकॉज पीजेंट्स वेंट टू फाइट वार. तो फिर हम कहेंगे कि जितने फूड ग्रेन्स थोड़े बहुत अगर ग्रो भी होते थे देवर सेंट टू फीड रशियन आर्मी, क्योंकि ज़ार फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो देता था दैट वाज टू आर्मी. उसको होता था कि आर्मी को फूड ग्रेन पहुंचने चाहिए, बाकी लोगों को नहीं मिलते ना सही. नेक्स्ट हम कहेंगे इंडस्ट्रीज शट डाउन इन रशिया बिकॉज वर्कर्स कहाँ चले गए थे, वेंट टू फाइट वार. तो इंडस्ट्रीज भी शट डाउन हो चुकी थी. अब फॉरनर्स जो थे दे स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग मनी इन रशिया, क्योंकि फॉरनर्स को भी होता था कि जिस कंट्री में डेवलपमेंट ही नहीं तो वहां पे क्यों. तो उन्होंने भी वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी थी. तो इस वजह से
हम कहेंगे कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जार बिकेम अनपॉपुलर, अभी आ गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिकेम रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ जार, क्योंकि जार ने इतने इतने बड़े ब्लंडर्स जो किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वार में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था, फिर नहीं ब्लडी संडे नहीं इसमें आएगा, ब्लडी संडे तो हुआ 1905 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हो रही है 1914 में, तो लोग इतने साल सोते थोड़ा रह के जाग गए अब, नहीं तो इसमें तो सिर्फ यही आएगा कि वार में पार्ट नहीं लेना चाहिए था क्योंकि बैकवर्ड कंट्री थी, हाँ लॉस बहुत हुआ क्योंकि लोग मर गए और फिर फूड ग्रेन्स नहीं थे, इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई, तो ऐसी कंट्री जहाँ पे डेवलपमेंट ही रुक जाए, लोग क्या रूलर्स की फेवर में रहेंगे? नहीं, कभी नहीं रहेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जार जो था वो डाउन, उसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। अब 1917 फेब रिवोल्ट, थ्री कॉजेज सेम एज 1905, थ्री सेम है, कौन कौन से बताओ? थ्री कॉजेज सेम एज फॉर 1905, वेरी गुड, ऑटोक्रेटिक रूल, नो आई विल नॉट रिपीट इट, और वेरी गुड, पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर सेम, वेरी गुड, और नहीं रूसो जापनीज वार नहीं आएगा यहाँ पे, सोशलिज्म, सोशलिज्म, थ्री सेम रहेंगे, रूसो जापानीज वार की जगह आप चेंज कर दोगे, आप क्या लिख दोगे? फर्स्ट वर्ल्ड वार, आप रूसो जापानीज वार आप इसमें नहीं लाओगे क्योंकि ये तो 1917 में चले गए हम, 1917 में रूसो जापानीज वार थोड़ा आएगी कि इतने सालों बाद, हाँ तो अब यहाँ पे आप फर्स्ट वर्ल्ड वार लिख दोगे, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कोई यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना, सिंपल लिखना है कि बहुत डिस्ट्रक्शन हुई तो लोगों ने जार को रिस्पॉन्सिबल ठहराया, ठीक है? एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, इमीडिएट कॉज किसको बनाओगे? जो एक 50 फैक्ट्री में स्ट्राइक हुई थी, बच्चे वी आर डूइंग 1917 फेब रिवोल्ट, ब्लडी संडे 1905 रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज, वेरी गुड, हाँ तो उसकी फेवर में 50 फैक्ट्रीज में स्ट्राइक हुई थी इन द फेवर ऑफ दैट वर्कर, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे कि इसको दोबारा जॉब पे रखा जाए, हाँ तो इस वजह से पूरे रशिया में जो वर्कर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किए, केम आउट ऑफ देयर एरियाज एंड अटैक द हाउसेज ऑफ रशियन ऑफिशियल्स, जार ने अब फिर सोल्जर्स भेज दिए, तो सोल्जर्स ने इस बार वर्कर्स के साथ हैंड ज्वाइन कर लिए, हाँ सम ऑफ द सोल्जर्स ज्वाइंड देयर हैंड्स विद स्ट्राइकिंग वर्कर्स। अब नेक्स्ट डे डेलीगेशन ऑफ वर्कर्स वेंट टू सी जार, जार को मिलने चले गए एंड एडवाइज हिम टू गिव अप हिज थ्रोन, तो जार ने छोड़ दिया कि गिव अप हिज थ्रोन विद दिस, कैसी गवर्नमेंट रशिया में खत्म हुई? मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट केम टू एन एंड। अब जार का रूल नहीं है तो कौन आया वहां पे? क्रेंस्की, क्रेंस्की केम टू पावर, फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज सेट अप इन रशिया अंडर क्रेंस्की, क्रेंस्की के बाद लेनिन ने आना, हाँ वो लेनिन वाज बोल्शेविक लीडर। अब क्रेंस्की, क्रेंस्की कैसा पर्सन था? तब के लोगों की डिमांड जो थी ना रशिया के, दैट वाज टू कम आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लोग किससे बाहर आना चाहते थे? क्रेंस्की डिड नथिंग, ही डिडंट टुक रशियंस आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो एक तो उसने ये बात नहीं की, ही डिडंट गिव राइट्स टू नॉन रशियंस, नॉन रशियंस वर नॉट अलाउड टू फॉलो देयर कल्चर, स्पीक देयर लैंग्वेज, ये सब कुछ क्रेंस्की ने उनके साथ भी इनजस्टिस किया। तो क्रेंस्की की जगह उधर से कौन पॉपुलर होता जा रहा था? लेनिन, लेनिन पॉपुलर होता जा रहा था, बिकॉज ड्यूरिंग द फेब रिवोल्ट ही वॉज एक्साइल्ड टू स्विट्जरलैंड, ही केम बैक टू रशिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आते ही उसने क्या इशू किया? वेरी गुड, अप्रैल थीसिस, सबको आता है, वेरी गुड, और अप्रैल थीसिस में ही मेड हाउ मेनी प्रोमिसेस, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, ही मेड थ्री प्रोमिसेस, एक मिनट स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग ऑनलाइन, आप देखो आपकी क्लास के बच्चे कितने क्विक आंसर दे रहे हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, आपको भी मुझे पता आते होंगे, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन चैप्टर रशिया यू कैन रेज योर हैंड, अगर नहीं है देन इट्स ओके, बिकॉज यहाँ पे देख के मुझे तो खुशी हो रही है कि बच्चों को सब कुछ आता है। अब ही मेड थ्री प्रोमिसेस, अब उसके प्रोमिसेस लोगों को अच्छे लगे ना लेनिन के, तो लोग लेनिन के फॉलोअर हो गए और क्रेंस्की के अगेंस्ट। अब लेनिन के प्रोमिसेस क्या थे? That if he would come in power, he would took Russia out of the first world war. उसने वही प्रॉमिस किया जब जो लोग चाहते थे, उसने कहा आप मुझे पावर में लाओ, मैं रशिया को किससे बाहर करूंगा? फर्स्ट वर्ल्ड वार से। सेकंड प्रॉमिस उसने कहा ही वुड नेशनलाइज द बैंक,
फिर उसने कहा ही वुड गिव राइट्स टू नॉन रिच, तो उसके प्रोमिसेस लोगों को अच्छे लगे, पीपल बिकेम हिज फॉलोअर्स। अब क्रेंजकी से ये बात टॉलरेट नहीं हो रही थी, अब दोनों में क्लैशेस हुए। अभी क्रेंजकी अनपॉपुलर हुआ, क्रेंजकी थ्रोन से नहीं गया अपने, तो अब बोल्शेविक्स एंड किस किस में क्लैशेस हुए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बोल्शेविक्स एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी क्रेंजकी, तो दोनों में क्लैशेस हुए, बोल्शेविक्स की तरफ से लेनिन, उधर से क्रेंजकी। तो इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई बोल्शेविक्स ने, उसका लीडर किसको बनाया, लियोन, वेरी गुड, लियोन ट्रॉटस्की, दिव्यांशी वेरी गुड, लियोन ट्रॉटस्की को क्या बनाया, लीडर। इन्होंने कहा कि वी वुड अटैक विंटर पैलेस बट डेट वुड बी कैप्ट सीक्रेट। तो इस वजह से इनका आपस में क्लैशेस चलते रहे, उधर से बोल्शेविक्स की न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स पे अटैक किए इन्होंने, हाँ उन्होंने इधर अटैक किए इन्होंने, क्रेंजकी प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने, उन्होंने इनकी बिल्डिंग्स पे किया, उन्होंने उनकी बिल्डिंग्स पे किया, तो वहां पे वायलेंस हो गई। तो इतनी इन्होंने विंटर पैलेस पे भी अटैक किया, डिस्ट्रॉयड इट। तो अब किसने सारी सिचुएशन को हैंडल किया, लेनिन। तो लेनिन कंट्रोल्ड, क्योंकि क्रेंजकी तो भाग गया था वहां से, चला गया था, तो लेनिन कंट्रोल्ड ऑल द सिचुएशन एंड लेनिन केम टू पावर। व्लादिमीर लेनिन अब बन गया रशिया में लीडर, तो लेनिन के हाथ में पावर चली गई। अब लेनिन ने आते क्या क्या चेंजेस किए, हम वो पढ़ेंगे कल।